हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में आप आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर आए हैं और जिसमें आपको बहुत ही सुपर और ख़तरनाक टेक्निक को आपको सिखाया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर से 144 वस्तुएँ खरीद लेता है। तो देखिए, 90 पैसे की दर से 144 वस्तुएं खरीदता है और रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती है। तो 144 में से 20 वस्तुएं टूट जाती हैं तो 124 वस्तुएं शेष रह जाती है। अब इन शेष वस्तुओं को वह 1 रुपया 20 पैसे यानी कि आप कह सकते हैं 120 पैसे प्रति की दर से बेचता है। देखिए, बेचता है 120 पैसे प्रति की दर से बेचता है। तो लाभ दशमलव के एक स्थान तक हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, हमें लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो देखिए, इधर उसने वस्तुओं को खरीदा है और इधर उसने वस्तुओं को बेचा है। तो यहाँ से हम खरीदने और बेचने का रेशो ज्ञात करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ से लाभ परसेंट ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हम छोटा कर लेते हैं। 30 * 90 और 30 * 4 = 120 छोटा किया। अब हम इसको और छोटा करते हैं। देखिए, 4 से काटेंगे, 4 * 3 = 12, 2 * 4 = 24। अब और छोटा हो सकता है। देखिए, 4 से काटते हैं, 4 * 3 = 12, 4 * 1 = 4 और 4 * 9 = 36। तो हमें यहाँ पर मालूम हो चुका है कि खरीदने का जो रेशो है वो 9 * 3 = 27 है और बेचने का रेशो 31 है। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया है कि उसको कितना लाभ होगा। तो रेशो के अकॉर्डिंग 27 में खरीद कर वह 31 में बेचता है तो 4 का लाभ होता है। तो 27 पर हम 4 का लाभ निकालेंगे और परसेंट में 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 400 हो जाएगा। ये 400 को हम 27 से भाग देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14.8% के लगभग। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 14.8%। तो यही क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। देखिए, लागत मूल्य उसका 100 था और जब उसने उसको बेचा तो 20% का लाभ हुआ, यानी कि उसने उसको 120 में बेचा तभी तो 20% का लाभ होता है उसको। तो बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि इस बिक्री मूल्य पर हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बिक्री मूल्य हो गया 120 और 120 पे हमें आरंभ में दिखाई दिया था 20% का लाभ। तो 120 पर 20 का लाभ, यही बिक्री मूल्य पर लाभ परसेंट होगा। तो 20 * 20 ठीक है, 120 1/6। तो 1/6 होता है 16 * 2/3% का लाभ और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, 16 * 2/3% का लाभ। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40। किसी वस्तु को 102 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। तो देखिए, जब वह वस्तु को 102 रुपये में बेचता है तो 15% की हानि होती है। इसका मतलब वह 85% में बेचता है, यानी कि 100 में से उसे 15% की हानि हो गई तो वह 85% में बेचता है। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से क्वेश्चन हल हो रहा है। यदि वह वस्तु को 134 रुपये 40 पैसे में बेचता है तो उसको कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, यदि वह वस्तु को 134 रुपये 40 पैसे में बेचता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो परसेंट से मैंने परसेंट को काटा और इसको छोटी छोटी संख्याओं से काट कर इसको हल कर लेते हैं। देखिए, 17 * 6 = 102, 17 * 5 = 85 और 6 से हम इसको काटते हैं। देखिए, 6 * 2 =
बारह, छः दुनी बारह, छः चौक चौबीस, ये कट गया, छः दुनी बारह एक, छः दुनी बारह दो, छः चौक चौबीस। अब इसके हम गुणा करेंगे 22.4 की यहाँ पर पाँच में गुणा करेंगे तो 500 और 5 चौक 20 हासिल दो, 22 पंजे 110 और 2 12 112। तो हमें यहाँ से मालूम हुआ है कि यह राशि 100% से अधिक है, तो 100% से अधिक है तो हमें मालूम हो गया है कि उसको लाभ होगा। लाभ जब 100 से जितना अधिक होगा उतना ही उसको लाभ होगा, तो लाभ उसको 12% का होगा क्योंकि यह 100 से 12 ज़्यादा है, तो उसको इस सौदे में 12% का लाभ होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 12% का लाभ ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और गगन प्रताप सर की जो बुक्स है इसके हर क्वेश्चन को आपको बहुत इजीली मेथड से कराया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47, 47 नंबर का क्वेश्चन, दो खिलौने प्रति 504 रुपये में बेचे जाते हैं। देखिए 504 रुपये में बेचे जाते हैं, एक खिलौने पर विक्रेता को 12% का लाभ होता है और दूसरे पर 4% की हानि होती है, दोनों को बेचने पर कितना परसेंट लाभ या हानि होगी। देखिए एक को 12% के लाभ पर बेचने से, तो हम देखते हैं 12% का लाभ कितना होता है, 12/100, 4 × 12, 4 से काटा 25 बार, और 4% का लाभ होता है 1/25, 4% का सॉरी 4% की हानि को लिखेंगे 1/25, यानी कि ऐसे 4/100, 4 से काटा एक बार, 4 से 25, 1/25। तो देखिए बटे की जो वैल्यू होती है वह क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करती है, तो देखिए यहाँ पर हम एक साइड में यहाँ पर क्रय मूल्य लिखेंगे, दूसरी साइड में विक्रय मूल्य। देखिए पहली वस्तु पर क्रय मूल्य उसका बनता है 25, और 25 में 3 का लाभ होता है तो 28 में वह उसको बेचता है। इसी तरीके से दूसरी वस्तु को जब वह बेचता है 4 के आने पर, तो उसका क्रय मूल्य रेशो में बनेगा 25, और 25 पर 1 की हानि होती है तो वह उसको बेचता है 24 में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम इसको बहुत ही आसान करेंगे। तो देखिए जैसे कि उसने क्वेश्चन में कहा है कि दोनों खिलौने 504 रुपये में बेचता है, यानी कि दोनों खिलौनों का रेट समान है, यानी कि विक्रय मूल्य समान है, और जबकि यहाँ पर हमें दोनों का विक्रय मूल्य जो रेशो में बनता है वो समान नहीं है, तो इसको समान करने के लिए हम इसमें मल्टीपल करेंगे। देखिए दोनों का विक्रय मूल्य समान करने के लिए यहाँ पर 6 से गुणा और इधर 7 से गुणा, क्योंकि 6 से गुणा करने पर आ जाता है कितना आता है, 6 × 8 = 48, 4 × 6 = 12 और 4 = 16 = 168, और इधर 24 × 7 = 168, दोनों का 168 विक्रय मूल्य समान हो गया है। अब 6 के गुणा यहाँ पर भी करेंगे, 25 × 6 = 150 और 7 की गुणा यहाँ पर करेंगे, 25 × 7 = 175। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोनों का क्रय मूल्य कितना बैठता है, ये बैठता है 5 × 7 = 12 = 325, दोनों का क्रय मूल्य बनता है 325 रेशो में, और यहाँ पर दोनों का विक्रय मूल्य बनता है 8 × 8 = 16 = 6 × 12 = 13 = 336। तो यहाँ पर हमें मालूम हुआ है कि यह रेशो में 325 की खरीद रहा है और बेच रहा है 336 में, तो यहाँ पर उसको लाभ हो रहा है 11 का, तो 325 पर 11 का लाभ होगा, तो यहाँ से हम लाभ परसेंट ज्ञात करेंगे। देखिए 325 पर 11, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हम 25 × 25 = 7, 25 × 75, 25 × 4 = 100, 44 × 11 = 44/13%। तो यहाँ पर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, 13 × 3 = 39, 5 बचेगा और बटे 13, तो 5 से ही सॉरी 3 से ही 5/13% का उसको
लाभ हुआ है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 3/5/13% का लाभ। तो फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी और बहुत सिंपल मेथड से कराए जाएंगे।